हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन योर ब्रेन में। आज हम लोग पार्ट पाँच में नियम चार का अध्ययन करेंगे, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कोस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊँची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की ज़रूरत है, हमें टैक्स के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता था और हर आदमी उसकी कही बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूले। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स को कानून के समर्थन में ओढ़ दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और ख़ासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं
सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती कर सके। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कार्प्स में भी, यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भरोसा करती थी जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहाँ से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हें नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाज़ों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर बैठता है। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों ने शिक्षा दी थी जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसे की ज़्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए, यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशनों के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रिसर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसे बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्यवर्गीय लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया या नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कॉरपोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है।
या कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है, या कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बनाता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉरपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा, जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं, और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते, फिर वे भी पैसे से आज़ाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया है जिन्होंने इसके लिए वोट किया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप कर बैठ कर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तथा अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए ज़रूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल इस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है। अगर वह ज़्यादा महंगे रियल इस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता। रियल इस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीब और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन को इजाज़त दे देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्तब्ध होता रहता हूँ, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे की कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।